एक छोटस संस्थान होत, मराठी चालेल की हिंदी बोल, एक छोटस संस्थान होत ज्याचे हे राजे होते. त्यांचं आडनाव होतं देवबर्मन, नॉट बर्मन. देवबर्मन म्हणजे देव म्हणजे राजा. इफ यू गो टू हिस्ट्री यू विल सी की देव देव म्हणजे राजा. सो देवबर्मन वॉज ऍक्च्युली देअर सरनेम. सो राहुल देवबर्मन, सचिन देवबर्मन, दॅट वॉज देअर सरनेम. व्हेन दे केम टू मुंबई, मुंबईत आल्यानंतर आपल्या टिपिकल स्टाईलमध्ये आर डी बर्मन असं नाव झालं त्यांचं. ऍक्च्युली राहुल देवबर्मन, सचिन देवबर्मन असंच पाहिजे होतं कारण. पण ठीक आहे, जे काय असेल ते. ह्या बर्मन पिता पुत्रांनी अख्ख्या इंग्रजीवरती राज्य केलं. म्हणजे इफ यू सी 1945 पासून एस डी बर्मन, 1954 पासून आर डी बर्मन जे असिस्टंट होते एस डी बर्मनचे, त्यांनी कम्प्लीट म्युझिकच बदलून टाकलं. आर डी बर्मनचा प्रॉब्लेम हाच होता की लोक त्यांना वेस्टर्नाइज म्युझिक डायरेक्टर असं म्हणायचे. बट बिलीव मी, अल्लाउद्दीन खान यांच्याकडे सर्व शिकले, पंडित ब्रिजन विश्वास यांच्याकडे तबला शिकले आणि कित्येक इन्स्ट्रुमेंट्स ही यूज टू प्ले परफेक्टली. आणि त्याच प्रमाणे आय विल कीप ऑन गिव्हिंग यू इन्फॉर्मेशन. आज आपण पहिलं गाणं जे आहे हे आसावादी थाटातलं पंचांनी बनवलेलं गाणं फिल्म आंधीचं आहे. तेरे बिना जिंदगीचे कोळी शिकवत होणे. आता ह्या गाण्यामध्ये गंमत अशी आहे की हे गाणं रागदारीवरती आहे, लताजी आणि किशोरदांनी गायलेलं गाणं. बट मेन थिंग इज द फिल्म नेम ओरिजिनली वॉज नॉट आंधी, इट वॉज गांधी अँड इट वॉज बेस्ड ऑन इंदिरा गांधीज लव्ह स्टोरी. परंतु इफ यू रिमेंबर 1975 आपल्याकडे आणीबाणी लागली आणि द होल थिंग स्टॉप. सो दिस मूवी ऑल्सो गॉट स्टॉप. त्यानंतर त्याचं नाव बदलून आंधी केलं आणि आंधीमधलं हे पहिलं गाणं आपण यू विल लिसन फ्रॉम आई. तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवत. बात कर रहा हूँ 1967 की. 1967 कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए. 1967 में जो स्टूडियो था उसमें सिर्फ दो या तीन माइक रहते थे. एक माइक पे सिंगर, वो भी शेयर करते थे अगर ड्यूएट है तो, और दूसरे माइक पे म्यूजिशियंस जिसमें वॉयलिन, गिटार सब इंस्ट्रूमेंट्स आते थे, रिदम सेक्शन. 1967 में पंचमना ने एक बहुत बढ़िया काम किया, बहुत ही बढ़िया काम किया. फिल्म थी बहारों के सपने. बहारों के सपने में एक गाना है, क्या जानू सजन. बाय द वे अगर किसी ने फिल्म देखी है तो ट्राई टू रियलाइज पूरी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट है, सिर्फ ये गाना कलर में. वो कलर में क्यों किया पता नहीं, मगर शायद प्रोड्यूसर डायरेक्टर को लगा होगा कि ये हाईलाइट है फिल्म का. ये जो फिल्म थी जिसमें ये पर्टिकुलर गाना था, क्या जानू सजन, ये एक्चुअली मेले में रात के समय पिक्चराइज किया गया राजेश खन्ना और हीरोइन के ऊपर. इसमें एक बहुत बड़ी बात थी, इसमें डबल आवाज़ है, एक लता जी की आवाज है और दूसरी भी लता जी की ही आवाज है. नोबडी कैन इमेजिन 1967 में कैसे हुआ कि एक सिंगर के ऊपर दूसरा वही सिंगर की दूसरी आवाज. नोबडी कुड इमेजिन, नोबडी कुड एक्सेप्ट, नोबडी कुड बिलीव. इसके लिए HMV ने जो पहली रिकॉर्ड निकाली थी उसमें सेफली लिखा सिंगर लता मंगेशकर एंड उषा मंगेशकर. ऐसा नहीं, इट इज लता मंगेशकर एंड लता मंगेशकर. लता मंगेशकर की आवाज दो बार रिकॉर्ड की गई एंड पंचम रियली डिड अ फैंटास्टिक जॉब ऑफ री रिकॉर्डिंग, जिसको कहते हैं वॉइस ओवर वॉइस
जो आज भी जमता है, इससे आगे का गाना भी वॉइस ओवर वॉइस है, बट बिलीव मी इतने साल हो गए आज तक, बहुत बड़े बड़े संगीतकार आए, अनु मलिक, रहमान, किसी ने वॉइस ओवर नहीं किया, पंचम ने ही किया। तो चलिए सुनते हैं ये गाना, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्यून है इसकी, शुरुआत इसकी जैज स्टाइल में है एंड बाद में नॉर्मल गाना शुरू होता है, बट वॉइस ओवर वॉइस देखिए, हमारे पास दो सिंगर्स हैं, हु विल डू दिस, यहाँ पे दो सिंगर लग रहे हैं, वहां पे एक ही सिंगर ने काम कर दिया बिकॉज इट वॉज री रिकॉर्डेड। चलिए सुनते हैं वॉइस ओवर वॉइस। यही यही चीज, दिस वॉज इन 1967, उसके बाद में बहुत सारे मूवीज में पंचम ने ये वॉइस ओवर वॉइस यूज किया। द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज इजाजत, जो 1987 में आई, 1987 की जो इजाजत फिल्म थी उसके बारे में छोटी सी स्टोरी बोलता हूँ कि 1987 में जब इजाजत आई थी उसके पहले पंचम दा के 25 फ्लॉप गए थे, 25 फिल्म फ्लॉप गए थे, और एक पार्टी में उन्होंने ये बोल दी, अरे मेरा सॉरी नॉट 25, 24 24 फिल्म मेरे फ्लॉप हो गए। वहां पे सुभाष गई साहब थे, बोला अभी 25वां पिक्चर मेरा है, क्योंकि पिक्चर वॉज राम लखन, राम लखन वॉज अ फिल्म विच वॉज सपोज टू बी डन बाय हार्डी बर्मन और पंचम। दो दिन में सुभाष भाई साहब ने म्यूजिक डायरेक्टर चेंज कर दिया, ये लक्ष्मी एंड पैरल को दे दिया। अब हम सुनते हैं ए जी ओ जी, ये वो भी सुनो जी, ठीक है गुड, इट वॉज नॉट बैड। 25वीं फिल्म इजाजत थी और पंचम ने ऐसा काम कर दिखा बिकॉज इट वॉज विद इज बेस्ट फ्रेंड गुलजार। इजाजत पूरे लिरिक्स स्टोरी सब कुछ गुलजार साहब ने लिखा था, गुलजार वॉज इज बेस्ट एंड क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ आर्टिकल। तो गुलजार साहब ने लिखा था गाना, दो तीन गाने लिखे थे, एक तो ऑफकोर्स वी नो वो स्टोरी तो सबको पता है कि कतरा कतरा मिलती है, गुलजार वॉज ऑब्जेक्टिंग है शुरू में एकदम ऐसा कतरा कतरा ऐसा थोड़ी होता है, बोला नहीं नहीं चलो करते हैं, तो वो गाना भी पॉपुलर हो गया। छोटी सी कहानी, बहुत ही बड़ा मतलब इट वॉज अ माइल स्टोन फॉर पंचम, बहुत सारे गाने इजाजत के पॉपुलर हो गए। वो जो गाना है उसमें बहुत कुछ बोलने लायक है, हो ये गाने में जब रिहर्सल चल रही थी तो भानु गुप्ता जो पंचम के गिटारिस्ट थे उन्होंने गलत नोट बजाया, गलत नोट, गाना एफ में था, उन्होंने एफ शार्प माइनर में वो छोड़ी, एफ शार्प माइनर वो उन्होंने गलत बजाया, तो बोला सॉरी 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 पंचम गलत हो गया, बोला नहीं 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 अच्छा लग रहा है ऐसे ही रखो, और वो गाना सुपरहिट हो गया। अब ये गाने की खासियत मैं बताता हूँ आप, अगर आपने ये गाना आप घर जाके देखिए, ये गाना पूरा बोर्ड पे है, बैकग्राउंड उसका पूरा हावड़ा ब्रिज और कलकत्ता का है, तो हावड़ा ब्रिज का जो ये है उनको वहीं भी शूट करना था। राजेश खन्ना बाय दैट टाइम वॉज वेरी 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 पॉपुलर, इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई, लड़कियां पागल की तरह राजेश खन्ना देखने के लिए आ गए, कुड नॉट, शक्ति सामंता कुड नॉट डू द शूटिंग एट ऑल, उनको पॉसिबल ही नहीं था इतना इतनी भीड़ में शूटिंग करना, पूरी शूटिंग कैंसिल हो गई। और यहाँ पे बॉम्बे में उन्होंने पूरा हावड़ा ब्रिज का जो सीन था वो पीछे बना लिया विद लाइट्स एंड ऑल, एंड देन दे शॉट इन मुंबई में। अगर आप वो वीडियो घर जाकर देखेंगे तो आपको और एक दूसरी मजेदार चीज लगेगी,
इस गाने में जो बोट पे गाना है, तो बोट चलाने के लिए तो एक आदमी चाहिए, तो चला रहा है वो है, मगर दिखता नहीं है, एक भी बार उसके ऊपर फोकस नहीं किया गया, इट्स ऑलवेज इन आउट ऑफ फोकस। ये बात जरूर देखने लायक है, प्लीज आप घर में जाके एक बार देख लीजिए कि कैसे हुआ ये शूटिंग। पूरा बोट का सीन है, मगर बोटमैन को एक भी बार उसका फेस नहीं दिखाया गया। चलिए सुनते हैं ये गाना फिल्म अमर प्रेम का। तो ये ओरिजिनल ट्यून गाने की थी पहले, लेकिन क्या हुआ, गलती से उनके हाथ से कॉर्ड बज गए, जी शार्प लग गया, जी लग गया ना, एक गलती से एक स्ट्रिंग गलत बजी, और क्या हुआ उसके बाद, बात है जब फिल्म पड़ोसन आई थी, फिल्म पड़ोसन में बहुत सारे गाने थे और बहुत सारे गाने हिट भी हुए थे, उसमें से एक गाना था मेरे सामने वाली खिड़की में। अब उसमें केशव मुखर्जी दिखाया है, वो झाड़ू लेके कुछ बजा रहा है, बट एक्चुअली इट वाज अ रेसो रेसो, द ओरिजिनल रेसो रेसो जो था वो आई डोंट नो, हिंदी में कद्दू बोलते हैं, मराठी में दूधी भोपड़ा बोलते हैं, ये This was the second version, बाम्बू, बाम्बू का बना, अब बन रहा है प्लास्टिक का, बट साउंड सेम है सबका, और उसका जो पंचमदा के हर एक गाने में यू विल ऑलवेज फील कि ये जो पीछे बज रहा है वो एक्चुअली रेसो रेसो है, और यही रेसो रेसो पंचमदा के बहुत काम आए। जो ओरिजिनल प्लेयर ऑफ रेसो रेसो वॉज अमृत राव काटकर जी, हु इज नो मोर विद अस। पहले कोई फिल्म में, तीन चार फिल्म में मारुति राव कीर जो उनके मेन असिस्टेंट थे उन्होंने बजाया था, बट बाद में एक बार अमृत राव काटकर जी के हाथ में आ गया, उसके बाद में रेसो रेसो वॉज ऑलवेज विद अमृत राव, और हर एक गाने देर आर, आई थिंक मैंने गिने थे, आई थिंक 292 फिल्म्स में सिर्फ 30 गाने ऐसे हैं जिसमें रेसो रेसो नहीं बजा, बाकी सब गानों में ये बजाया। तो मैं आपको एक डेमो देने वाला हूं और उसके साथ में हम लोग एक गाना भी सुनेंगे। दोस्तों ये फिल्म का फिर से एक बार गुलजार और आडी बर्मन कॉम्बिनेशन, गुलजार जी ने कुछ अलग वर्ड्स लिखे थे मगर किशोर कुमार साहब ने गलती कर दी। गलती ये थी, गाने के बोल थे जब हीले तो मोगरे के फूल खिले, यानी रेखा जी की जब आंखों की बात है, क्योंकि गाना है आंखों के बारे में, आपकी आंखों में कुछ महके हुए खाबे, तो गाने के बोल जो है वो आंखों के बारे में, तो उन्होंने बोला था जब हीले तो मोगरे के फूल जैसे खिलते, किशोर दा ने बोला लव हीले है तो मोगरे के फूल खिले। अब पंचम बेचैन, गुलजार बेचैन, क्या करे भाई, इसका रिकॉर्डिंग का री रिकॉर्डिंग करे, गुलजार ने बोला ठीक है रहने दे मैं देखता हूँ। फिर बाद में रेखा के लिप्स पे मतलब टीथ पे उन्होंने शूट किया लव हीले तो मोगरे के फूल हीले, बट ये स्टोरी मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने गुलजार साहब से बात की है कि ये आपके बारे में गाना था एकदम लव पे कहा गया, तो बोला ऐसा ऐसा हुआ कि किशोर की गलती है, किशोर दा ने बोला सॉरी मैं फिर से रिकॉर्डिंग, बोला नहीं नहीं चलो रहने को, चलो लेट्स सी क्या हुआ था। गाने में एक कोरस नाम था भाग
आणि या कोरस मध्ये बऱ्याच वेळा फक्त जे काही मेन सिंगर गातात तेच रिपीट होतात. पंचमच्या बाबतीत वेगळं आहे, पंचमने वेगळं काहीतरी करण्याचा प्रयत्न केलाय आणि तेच आपण पुढचं गाणं बघतोय शालिमार पिक्चरचं. त्या शालिमार पिक्चरच्या गाण्यामध्ये म्हणजे गाणं आहे हम बेवफा हरिजन थे, त्याबरोबर कोरस, हा कोरस खूप महत्वाचा आहे. या कोरस मध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे शब्द, कारण हे सगळे शब्द जे आहेत आफ्रिकन शब्द आहेत. मी पश्चिमला एकदा असंच विचारलं होतं की कुठून आले शब्द, तो म्हणाला अरे काही सुना सांगा इसके लिए मैंने लगा दिया. ठीक आहे, आले मी त्यांच्याबरोबर बसून सगळे लिहून काढले शब्द आणि नम्रता आणि यानं दिले हे शब्द. त्याच्यामध्ये एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, एक माणूस अगदी लो स्केलमध्ये गात असो जे मी गाणार आहे एकदम लो स्केलमध्ये, तो लेट सी प्रतीक लेट स्टार्ट जो है वो फिर से एक बार एक छोटा सा डेमॉन्स्ट्रेशन है. पंचमदा ने क्या क्या अलग अलग चीजें की थी उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वेर नॉट इम्पोर्टेंट, साउंड वॉज इम्पोर्टेंट. साउंड कहाँ से आवाज आता है, घर के बर्तनों से आवाज आता है, एक रेशो रेशो से आवाज आता है, मादल से आता है, कहाँ से आता है कुछ फर्क नहीं पड़ता है. मगर पंचमदा ने ये कैप्चर किया एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज फ्रॉम यादव की बारा. सर उसके पहले आप उसको डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे तो मेरे ख्याल से आसानी होगी समझने में दर्शकों को हमारे. अगला गाना जो है वो बेसिकली देवानंद साहब की एक फिल्म थी जोशी, जिसमें पिक्चराइज किया गया था एक दार्जिलिंग. दार्जिलिंग में एज वी नो चाय बगान, बहुत सारे चाय बगान हैं. तो बेसिकली ही ट्राइड टू क्रिएट दैट एटमोसफेयर. देखिए दोस्तों एक बात समझ लीजिए, गाना पहले बनता है पिक्चराइज बाद में. पंचम ने ये जो बनाया गाना ही ट्राई टू क्रिएट द एटमोसफियर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. तो वही हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एटमोसफियर क्रिएट किया था. गाना है दिल में जो बातें हैं और ये जो छोटा सा चीज है मादर, दिस इज फ्रॉम नेपाल, और जो पंचमदा के पास बजा रहे थे कांचा जी, एक्चुअल नाम है उनका रंजित गर्मे, उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया है और यही मादर वो गाने में बजा था जो मैं अभी बजाऊंगा आपके सामने.